अरे फिजा, कहाँ रह गए पराठे? इतनी देर क्यों हो लग गई? इतनी देर लगती है पराठे बनाने में? और ये क्या, तैयार नहीं हुई तुम अभी तक? स्कूल नहीं जाना तुमने? तबीयत थोड़ी खराब है मेरी। हाँ, ये अच्छा बहाना है स्कूल ना जाने का। पता भी है तुम्हें कि स्कूल ना जाने से सैलरी कटती है। तुम फिजा बेटा, अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो अम्मी को या सुंबल को कह देना था, वो नाश्ता बना देती। कैसे कह देती? भाभी की तो आदत है मासूम बनने की। और दूसरों से तारीफें करवाने की। ये क्या तरीका है तुम्हारा भाभी से बात करने का? आपको तो ना हमारे ही तौर तरीके नजर आते हैं। ये नजर नहीं आता कि इसके सुघरापे की तारीफें करते हुए खिजर चुंबल को कितनी बातें सुनाता है। हर वक्त आने देता रहता है उसको कि भाभी को नौकरानी बनाकर रखा हुआ है, खुद भी कुछ कर लिया करो। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि ये सब बातें खिजर तक पहुंचती कैसे है। बात सुनो, खिजर ना तो अंधा है और ना ही बहरा है। सारा सारा दिन उसके साथ फोन पे लगी रहेगी तो जाहिर है इतना अंदाजा तो वो भी कर सकता है ना कि इसके पास और काम करने के लिए वक्त कोई नहीं है। समझदार लड़का है, ऊपर से पुलिस में भी है वो। किसी को कुछ कहने से पहले तुम सुंबल को क्यों नहीं समझाती? इसको कुछ घर गृहस्थी सिखाओ। सारा बोझ जो है तुमने फिजा पे डाला हुआ है। अरे स्कूल भी वो जाए, घर आके घर का भी सारा काम देखे, अरे कहां का इंसाफ है? हालत देखो इसकी। बेटा तुम नाश्ता करो और फिर अपने कमरे में जाके आराम करो। आज किचन का सारा काम जो है वो सुंबुल संभालेगी। कैसे हम सफर, मेरी तकलीफ पे तुम्हें जरा एहसास नहीं होता? फिर क्या सोचा तुमने? क्या सोचा है? बार बार यहां आके मेरा दिमाग मत खराब करो, समझी? थी तुम तो मिलना चाहते थे ना मुझसे, इसी वजह से तुम मेरे घर भी आए थे। तो मैंने सोचा मैं यहां मिलने आ जाती हूँ तुमसे। बुरा लग रहा है तुम्हें? मेरी इज्जत का इम्तिहान मत लो।
समझी थे ना, तुम्हारी बहन के साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया ना मैंने तो पछताओ। धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं, धमकी नहीं दे रहा। जो मैं कह रहा हूं ना वो मैं करके भी दिखा सकता हूं। और वैसे भी जब से मुझे पता लगे कि वो तुम्हारी बहन है उसे वैसे मैंने जूते की नोक पे रखा हुआ, तलाक दे दी ना उसे तो कहीं की नहीं रहेगी तुम्हारी बहन। तलाक दोगे तुम उसे? दो। हाँ दूंगा उसे तलाक, बहुत जल्द दूंगा तलाक उसे। तुम मेरी बहन को तकलीफ पहुंचाओगे तो मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगी, ऐसा कैसे सोचा तुमने? ऐसा कुछ नहीं करोगी, भूल है तुम्हारी। या फिर शायद तुम अपनी बेवकूफी में मेरी हैसियत को चैलेंज कर रहे हो। मेरे कहने पर खसनवी तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का क्या हशर करेगा? ये तुम सोच भी नहीं सकते। और फिर वो सुंबुल, सुंबुल के ससुराल वालों को तुम्हारा किरदार बताना पड़ेगा। फिर उसे तलाक हो जाएगी। फिर तुम्हारी बहन कहीं की नहीं रहेगी। देखो दुआ, जो कुछ भी है ना वो हमारे बीच में, मेरी बहन को मत बीच में लो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। कौन रोकेगा मुझे? तुम। मीटिंग लंच के बाद है ना? हाँ जी। मैं घर जा रहा हूँ, आप चीजें लाइन अप कराएं। ओके सर। जाफर को अंदर भेजिए।